प्रवासी श्रमिक की चाकुओं से गोद कर हत्या, गांव में मचा हड़कंप। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक प्रवासी श्रमिक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक अपने घर की छत पर सो रहा था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर SP शिवहरी मीणा और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। मौके से खून से सना गंडासा बरामद किया गया है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गांव जासापारा पूरब पट्टी का है। गांव निवासी राजेश 30 वर्ष पुत्र अमीरे मुंबई में रहता था। लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के कारण वह एक माह पहले 5 साल बाद अपने 3 भाइयों के साथ घर लौटा था। मंगलवार की रात वह छत पर सोने गया था। माँ ने बताया कि मृतक के पिता व भाई सभी घर के बाहर सो रहे थे। राजेश छत पर था जबकि उसकी पत्नी व बच्चे घर के भीतर सोए हुए थे। रात 2 बजे के आसपास छत पर किसी के होने की आहट सुनी तो पास लेटे बेटों को जगाया और दरवाजा खुलवाया। बहू ने दरवाजा खोला और जब सभी छत पर गए तो राजेश मृत अवस्था में पड़ा था। परिजनों ने किसी से दुश्मनी होने से भी इनकार किया है। ASP ग्रामीण शिवराज ने बताया कि युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की गई है। डायल 112 और थाने की टीम मौके पर पहुंची थी। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। जल्द घटना का अनावरण होगा। ग्राम जैसापारा थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर में रात्र को 100 नंबर पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को सो रहा था छत में परिवारजनों के साथ में, उसको चाकू मार दिया गया है। इस सूचना पर जब 112 की TRV और थाने की पुलिस आई तो पता चला कि घर में परिवारजनों के साथ में छत पर सो रहे व्यक्ति की जो है उस पर धारदार हथियार से वार करके उसकी चोटें कारित की गई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके का निरीक्षण किया जा रहा है, घर वालों से बात की जा रही है। अभी शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और पूरी तहकीकात कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।